आज की जो हमारी वीडियो है, जो बेबी के क्रेडल कैप होता है, जो बेबी के हेड की स्किन है जो निकलने लग जाती है, जो पपड़ी जम जाती है, उसको घर पे कैसे ट्रीट करना है उसके ऊपर है, और वो क्यों होती है और कब होती है एंड वो किस एज तक जाती है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज अ पेरेंट्स डेफिनेटली हम बहुत डर जाते हैं कि ये बेबी के इन्फेक्शन हो गया है, बेबी को डेंड्रफ हो गई है, और जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है उनको तो बिल्कुल नहीं पता होता। जब मेरे साथ हुआ था तो मैं भी बहुत डर रही थी कि मैं इतना हाइजीन का ध्यान रखती हूँ एंड देन बेबी को ये इन्फेक्शन कैसे हो गया या इतना डेंड्रफ कैसे हो गया। एंड देन हमने अपने डॉक्टर को विजिट किया, देन डॉक्टर सेड कि ये नॉर्मल है, ये सारी बेबीज में होता है। एंड तब मुझे पता चला कि इस कंडीशन को क्रेडल कैप कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज क्रेडल कैप, क्रेडल कैप क्या होता है। क्रेडल कैप होता है जो बेबी के हेड पर एक मोटी सी येलोइश कलर की पपड़ी जम जाती है, एक लेयर जम जाती है जो पैचेस में होती है। ये पैचेस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और जो रैश जैसे भी लगते हैं देखने में, और कभी लगता है कि एक डेंड्रफ भी है एंड वो फ्लेक्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो जो येलोइश कलर के जो बेबी के हेड पे पैचेस हो जाते हैं, इसी को क्रेडल कैप कहते हैं। तो अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है एंड ये कब होता है, तो पहले हम बात करेंगे कि ये किस एज में होता है। तो बेबी को ये 2 वीक से लेके 6 वीक तक कभी भी हो सकता है, 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक नॉर्मली बच्चों में होता है, एंड ये 12 मंथ तक भी हो सकता है। तो इसको जो जाने में, ट्रीट होने में कम से कम 1 वीक से लेके एंड 1 मंथ भी लग जाता है, और कुछ में ये लंबा भी चल सकता है क्योंकि सारे बेबीज डिफरेंट होते हैं, तो हर एक बेबी की जो बॉडी है वो डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब पॉइंट आता है कि ये क्रेडल कैप जो है वो होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो प्रोबेबली एक रीजन ये होता है कि जो मदर के हार्मोन्स हैं वो बेबी में ट्रांसफर होते हैं बर्थ से पहले, और उन हार्मोन्स की वजह से जो बेबी के ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जो कि मोर ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो प्रोबेबली ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड अब मैं बात करूंगी कि हम उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं एंड जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था वो क्या दिया था, तो मैं वो भी शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें जो है मसाज जो बेबी को करते हैं वो कैसे करनी है एंड कौन सा ऑयल यूज करना है। तो सबसे पहले आप जब भी बेबी की मसाज करेंगे तो आपके जो हैंड्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। तो जो आपके हैंड्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, एंड जो आप बेबी के लिए ऑयल यूज कर रहे हैं वो ऑयल जो है वो 100% नेचुरल होना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया। और मैंने इस पे एक वीडियो भी की हुई है जो बेबी की हेयर केयर एंड हेयर ग्रोथ के ऊपर है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है। तो आप जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो 100% नेचुरल होना चाहिए, एंड आप जब बेबी को मसाज देंगे तो उसको बहुत हार्डली रब नहीं करना है बेबी के स्कैल्प को, क्योंकि उस पर ऑलरेडी जो स्किन होती है वो उस टाइम पे और सेंसिटिव हो जाती है, एंड जो फ्लेक्स हैं वो जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो स्किन होती है वो और सेंसिटिव हो जाती है। तो जब भी आप हेयर मसाज देंगे बेबी को तो बहुत ही जेंटली करना है और उसको हार्ड रब नहीं करना है, एंड उसको उसके बाद 30 to 40 minutes छोड़ देना है, एंड उसके बाद बेबी का जो हेड है वो वॉश कर देना है। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट कि जब आप बेबी का हेड वॉश करते हैं तो कौन सा शैम्पू यूज करना है। तो जो भी आपको शैम्पू यूज करना है वो माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, स्पेशली जो बेबी के शैम्पूज होते हैं वो होना चाहिए, एंड 100% क्लिनिकली टेस्टेड होना चाहिए। एंड जब भी आप शैम्पू करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो शैम्पू की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा ना हो, और जो स्कैल्प को है वो आपको हार्ड रब नहीं करना है, एंड जस्ट इतना कि जो बेबी का ऑयल है हेयर का वो निकल जाए, बस उसको इतना रब करना है। एंड उसके बाद बेबी का जो हेड है वो आपको ड्राई करना है। अब आता है थर्ड पॉइंट जो कि है ब्रशिंग एंड कॉम्बिंग। मेरे लिए जो ब्रशिंग एंड कॉम्बिंग है वो मैजिक की तरह वर्क किया था। जब मेरी बेबी के क्रेडल कैप हुआ था तब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्या हो गया एंड कैसे सही होगा, एंड देन जब मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं जो ब्रशिंग एंड कॉम्बिंग है वो कैसे करनी है। तो ब्रशिंग एंड कॉम्बिंग करने के लिए जब आप बेबी को नहला के लेके आते हैं, जब उसका जो हेड है जब वो गीला होता है, पूरा सूखा भी ना हो, मतलब प्रॉपर ड्राई भी ना हो, तब वो करनी है। एंड जो ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत जेंटली करना है। अगर ब्रश यूज नहीं करना है तो आप एकदम क्लीन कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं, जिसको आप फिंगर पे अपने फिंगर पे लपेट कर बेबी को धीरे 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 उसको रब करके निकाल सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि उसको घिसना नहीं है, उसको रब नहीं करना है, जो फ्लेक्स निकल रहे हैं, जो पपड़ी निकल रही है, बस उसी को आपको हटाना है।
तो ये भी बहुत जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस था अपनी बेबी अमायरा के साथ और मैंने अपना बेबी का जो क्रैडल कैप है वो घर में कैसे ट्रीट किया। तो डेफिनेटली सारे पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं जब उनके बेबी को ऐसा कुछ होता है। मैं भी बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मेरे बेबी के क्या हो गया, मैंने इतना हाइजीन का ध्यान रखा है, उसको कैसे इन्फेक्शन हो गया या डेंड्रफ हो गया। तो उसको फिर मुझे बाद में पता चला कि उसे क्रैडल कैप कहते हैं एंड देन फिर मैंने उसको घर पर ट्रीट किया। तो मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे ट्रीट किया। तो सबसे पहले पहला स्टेप था जब हम बेबी को बॉडी मसाज देते थे तो उसको हेड मसाज देते थे जिसका टाइम हमने कम कर दिया था 1 to 2 मिनट ओनली, जो कि ऑलिव ऑयल से दी जाती थी। एंड उसके नहाने के टाइम में मसाज के टाइम में 30 से 40 मिनट्स का जो है टाइम रहता था, इससे ज्यादा हम लंबा टाइम नहीं रखते थे एंड उसको नहलाते थे। तो जो शैम्पू यूज करते थे वो था मेरा सीमामेड का चिल्ड्रन शैम्पू, जो कि स्पेशली चिल्ड्रन शैम्पू है एंड जो बेबी के हेयर्स के लिए है। तो ये जरूर याद रखना है कि जो आप शैम्पू यूज करो वो बेबी शैम्पू ही होना चाहिए एंड माइल्ड होना चाहिए, तो मैंने भी वही यूज किया था। एंड उसके बाद हम उसका जो हेड है उसको ड्राई करते थे। जो मैंने फॉलो किया था जो उसका हेड है मैं उसको प्रॉपर ड्राई नहीं करती थी, थोड़ा सा गीला रह जाता था एंड उसी में मैं उसमें कॉम्ब करती थी एंड कॉम्ब से जो फ्लेक्स हैं वो बहुत जल्दी निकल आते थे क्योंकि वो जो स्किन है जब वो पानी पड़ता है तो वो फूल जाती है, थोड़ी सी पफी हो जाती है एंड वो बहुत ईजी निकल आती है एंड बहुत जेंटली कॉम्बिंग से वो निकल आती थी। जो मेरे को टाइम लगा था वो मेरा 5 to 6 days में बिल्कुल खत्म हो गया था एंड उसको उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये मेरा रूटीन था मैंने जो उसको क्रेडल कैप में दिया और मेरा जो एक्सपीरियंस था ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने उसको कैसे ट्रीट किया। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन